यहाँ पे एक वड़ा पाव सेंटर है। वैसे आज तक मैं कभी वड़ा पाव खाया नहीं था, इतना टेस्टी लगा कि हम लोग बोले कि एक एक और वड़ा पाव। भगवान हमेशा दुर्गम जगह में बैठते हैं ताकि जो भक्त हैं वो थोड़ी सी तपस्या करें। सरप्राइज मिल गया, भाई मिल गए। क्या नाम है आपका? प्रसाद पंडित। आपका? चिन्मय। कब से देख रहे हो आप? मैं तो मतलब बहुत 10th में 8th 9th में था तब से देख रहा हूँ। अभी कितने क्लास में हो? अभी तो ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन मतलब बहुत सालों से भाई फॉलो कर रहा है। जो मेरे पीछे है वो है भीमा शंकर टेम्पल, लेकिन यहाँ पे काफी लंबी लाइन है और लोग बता रहे हैं कि 5-6 घंटे एटलीस्ट लगेंगे। कहीं ना कहीं मैं पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो मेरे को ज्योतिर्लिंग वगैरह के दर्शन करने का, यात्रा करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया से दर्शन हो गए हमारे। अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं, यहाँ की वाइब को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फाइनली 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 रीच मुंबई। मुंबई सपनों की नगरी। क्या बात है कृतेश, बेहतरीन लोकेशन। क्या लोकेशन है, पीछे विंड मिल्स दिख रही हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरफ भी विंड मिल्स हैं और सबसे बेस्ट पार्ट ये है महाराष्ट्र के जो छोटे छोटे गांव हैं वो सब देखने का मौका मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी, मैं के राइडर, आप सबका स्वागत करते हैं महाराष्ट्र रोड ट्रिप में वीडियो में। आप लोगों को जैसा पता होगा पूरे भारत वर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग जिनमें से 3 है महाराष्ट्र में, जिनमें से एक का दर्शन हम लोग कर चुके हैं। 2 ज्योतिर्लिंग और है जिनमें से एक है भीमा शंकर जिसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और तीसरा ज्योतिर्लिंग है नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर, वहाँ भी जाएंगे हम लोग। इधर जब गांव है तो बहुत खूबसूरत था एकदम। क्या मतलब वाइब्स आ रहे थे एकदम। आ रहे हैं अभी भी आ रहे हैं। और पुणे से भीमा शंकर की दूरी है लगभग 3-3.5 घंटे की। तो अभी भीमा शंकर जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने के लिए, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। और पुणे से यहाँ तक का रास्ता तो सिंगल रोड मिल रहा है, कुछ दूर तक हाईवे मिला था, हाईवे था वो ट्रैफिक वाला था। जब इंटीरियर में आए तो एकदम सिंगल रास्ते, थोड़ा मैनेजेबल है। अगर बाइक में आते तो ज्यादा अच्छा है, बाइक में और ज्यादा डबल एंजॉय कर सकते हैं, कार में भी एंजॉय कर रहे हैं बस। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो विंटर सिक्किम राइड का प्लानिंग चल रहा था वो प्लान फाइनल हो चुका है। मैं और एसजे व्लॉग्स वाले शुभम जी सिक्किम जा रहे हैं साथ में, और साथ में आप सबको भी इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग भी चलो हमारे साथ सिक्किम का एडवेंचरस राइड करके आते हैं। राइड का जो डेट फाइनल हुआ है वो 14th of January। ये टोटल 8 days और 7 nights का प्लान है, जिसमें से day 1 सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक, day 2 स्टे इन गैंगटॉक लोकल साइट सीइंग, day 3 चांगू लेक, day 4 गैंगटॉक टू लाचेन, day 5 लाचेन टू गुरदोंग मार्ग लेक, day 6 युमथांग वैली, day 7 लाचुंग टू गैंगटॉक और day 8 गैंगटॉक टू सिलीगुड़ी। हम लोग जो ऑर्गेनाइज करेंगे वो स्टे, ब्रेकफास्ट, डिनर और जितने भी परमिट वहाँ पे लगने वाले हैं। पर हेड जो कॉस्टिंग पड़ रही है वो है 24999। रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है वो है 4999। मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप डिटेल्ड इटनरी भी चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 10 जनवरी। आप अपने किसी दोस्त को भी इस राइड के बारे में बता सकते हैं, अगर वो सिक्किम जाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। भूख लग गई, और भूख लगी तो हमने देखा यहाँ पे एक वड़ा पाव सेंटर है। वैसे आज तक मैं कभी वड़ा पाव खाया नहीं, अभी मैं एक वड़ा पाव खा चुका हूँ और इतना टेस्टी लगा कि हम लोग बोले कि दोबारा बनाइए एक एक और वड़ा पाव। तो यहाँ पे कूड़े नाम की जगह पे रुके हुए हैं और यहाँ पे गर्मा गर्म बढ़िया वड़ा पाव अभी अभी बना है, ये आप देख सकते हो। तो हम लोग को पता ही था पाव कैसे खाते हैं वड़ा पाव, तो पहले ना इसको ऐसे ओपन करके फिर यहाँ पे वड़ा पाव डालो। दिस इज पाव एंड दिस इज वड़ा। स्टेट में लड्डू भी है। लड्डू भी है, पहले चाय पीते हैं उसके बाद लड्डू ट्राई करें।
दी जा रही लड्डू मोदक, एक ठो खाया और इतना मजा आ गया। ये नमकीन भी ले जा रहे हैं बढ़िया पैक करके, रस्ते में खाएंगे भूख लगेगी तो। A few inches later, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं भीमा शंकर, लगभग 7 किलोमीटर और है, 15 मिनट की दूरी पे है। यहाँ पे शायद प्रवेश शुल्क ले रहे हैं कार का, तो अभी हम लोग भीमा शंकर अभ्यारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। ये उसका चार्ज लिया है, मंदिर का चार्ज नहीं है, वन विभाग की तरफ, वन विभाग की तरफ से। काफी दुर्गम है ये रास्ते, अभी तो बन रहे हैं, पहले तो और ज्यादा दुर्गम रहे होंगे, और बिल्कुल किसी हिल स्टेशन जैसी वाइब आ रही है। आप देख सकते हो कितने घने वन है यहाँ पे। भगवान हमेशा दुर्गम जगह में बैठते हैं ताकि जो भक्त हैं वो थोड़ी सी तपस्या करें, कुछ कठिनाइयों का सामना करें, उसके बाद ही पहुंच पाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी कार पार्क कर दी है और 2 किलोमीटर का ट्रैक है, और आज बहुत ज्यादा क्राउड है, काफी पब्लिक आई हुई है, देख सकते हो आप लोग, संडे भी है ना, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का वॉक करके जाना है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं छोटे मोटे तपस्या से नहीं मानूंगा, और थोड़ा सा पैदल चलो थोड़ा सा और। वैसे भी 4 बज गए हैं, यहाँ से निकलना भी है, आज ही हम लोग मुंबई निकलने का प्लान कर रहे हैं। देखो ना भैया कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। तो अभी एक प्लेजेंट सरप्राइज मिल गया, भाई मिल गए। क्या नाम है आपका? प्रसाद पंडित। कब से देख रहे हो आप? मैं तो मतलब बहुत 10th में, 8th 9th में था तब से देख रहा हूँ। अभी कितने क्लास में हो? अभी तो ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन मतलब बहुत सालों से भाई फॉलो कर रहे हैं। आप लोग मंदिर दर्शन करके आ गए, अभी जा रहे हो? कितनी कितनी भीड़ है अंदर? भीड़ तो बहुत ज्यादा है, आपको रोड भी बहुत मतलब हर्ष में बहुत ट्रैफिक है, और आपको ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर चल के जाना है। 3-4 किलोमीटर? और वहाँ अंदर कितने घंटे लग रहे हैं? अंदर अगर आप लाइन में लगोगे तो ये नहीं, बस साइड से बाहर से दर्शन करना चाहोगे तो 10-15 मिनट में। मतलब थोड़े दूर से दर्शन होगा? हाँ दूर से, बाहर से। अच्छा लगा मिलके, फिर मिलते हैं। थैंक यू। आज काफी ज्यादा क्राउड है, देखते हैं दर्शन हो पाते हैं कि नहीं। तो लंबी लाइन है, लगता है हम लोग गलती से जो एग्जिट वाला जो रास्ता है उस पे आ रहे हैं। लाइन तो ये है, अब लेट्स सी दर्शन हो पाते हैं कि नहीं। जा तो रहे हैं हम लोग, काफी सारे लोग इस वाले लाइन से भी बढ़ रहे हैं। फाइनली पहुंच गए हम लोग भीमा शंकर टेम्पल, जो मेरे पीछे है वो है भीमा शंकर टेम्पल, लेकिन यहाँ पे काफी लंबी लाइन है। हम लोग एग्जिट वाली लाइन में घुस गए गलती से और चलते चलते यहाँ तक आ गए। अब देखते हैं दर्शन करने का मौका मिलता है कि नहीं, क्योंकि वो वाली लाइन बहुत लंबी है और वो मूव नहीं कर रही है, मूव नहीं कर रही है बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं, लोग वहीं पे खड़े हैं और लोग बता रहे हैं कि 5-6 घंटे एटलीस्ट लगेंगे। वैसे इस मंदिर का नाम भीमा शंकर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से भीमा नदी निकलती है। अच्छा हाँ, और उसी वजह से इस जगह का नाम, इस मंदिर का नाम भीमा शंकर पड़ा है। देखते हैं दर्शन हो पाते हैं कि नहीं। तो ये पास मिल गई है हम लोग को दर्शन की पास, 500 रुपीज ईच। इससे बस इतना है कि 5-6 घंटे की जगह 1-1.5 घंटे लगेंगे, 1-1.5 घंटे में दर्शन हो जाए। और ये पास का मतलब ये नहीं कि यहाँ के मतलब जो बिल्डिंग बन रहे हैं ना उसमें भी काम आएगा, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह मंदिर के कंस्ट्रक्शन वगैरह मतलब दान है, डोनेशन है, वो डोनेशन है। फाइनली प्रवेश मिल गया। कितना बज रहा है अभी? बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, लगता है 6 बजे तक दर्शन हो जाएंगे हमारे। तो कहीं ना कहीं मैं पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो मेरे को ज्योतिर्लिंग वगैरह के दर्शन करने का, यात्रा करने का मौका मिल रहा है। थैंक्स टू के राइडर कृतेश, जिसने प्रेरित किया था मेरे को। मेरा कुछ थैंक्स नहीं है, कुछ ना कुछ पुण्य कमाए होंगे हमने तभी आज दर्शन हो रहे हैं, और आपने भी कुछ पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, हम दोनों मिलकर कुछ किए रहोगे तो साथ में कर रहे हैं। और 2 दिन के अंदर दूसरा ज्योतिर्लिंग है जिसको हम लोग कर रहे हैं अभी, और यहाँ पे तो दर्शन हो पाएगी इसकी उम्मीद छोड़ दिए थे हम लोग क्राउड देख के, आधे आधे किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा वो हम लोग दर्शन का पास ले लिए तो ये सब कंस्ट्रक्शन में जो कुछ भी यहाँ पर का देख रहे हैं सहयोग हो रहा है, एक सहयोग हो जा रहा है हमारे माध्यम से। जय श्री शंभु, जय श्री शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए, दर्शन हुए बहुत ही बढ़िया, स्पर्श कर के दर्शन करने को मौका, स्पर्श भी किया अपन तो, प्रसाद भी मिला, प्रसाद भी मिला। किस्मत हमारी बहुत अच्छी है, हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं बस, यहाँ की वाइब को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो मंदिर होते हैं टेम्पल्स होते हैं एब्जॉर्ब एनर्जी
ग्रैब करने की जगह होता है। भीमाशंकर मंदिर के सामने में आपको एक रोमन स्टाइल का बेल दिखेगा जिसमें मदर मैरी का सिंबल बना हुआ है, साथ में क्रॉस भी बना हुआ है। ये पुर्तगालीज बेल है जिसे चीमाजी अप्पा ने, जो बाजीराव पेशवा के भाई थे, पुर्तगालीज से वॉर के बाद में जीता था। इस तरह के 5 बेल जिनमें से एक को उन्होंने भीमाशंकर मंदिर को दान दिया और यहाँ पे तभी से ये बेल लगा हुआ है। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है सर्वधर्म संभाव का। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू सभ्यता में सभी धर्मों का कितना सम्मान किया जाता है। आप लोगों ने विशाल नदियाँ देखी होंगी जो जाके सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार की एक नदी है भीमा नदी जो आगे चल के कृष्णा नदी में मिल जाती है, जो बहुत बड़ी रिवर है और उसका उद्गम कैसा होता है मैं दिखाता हूँ। ये है एक छोटा सा कुंड, आप देख रहे हो, ये है भीमा नदी का उद्गम कुंड, उद्गम केंद्र। यही नदी आगे जाके बहुत ही विशालकाय नदी बन जाती है, कृष्णा नदी में मिलती है और जाके सागर में समाहित हो जाती है। जय श्री शंभु, जय भीमाशंकर। आप लोग देख सकते हो अभी भी कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे, और हमारी किस्मत काफी अच्छी थी, बाबा जी की कृपा थी जो हम लोग को दर्शन मिल गया। अच्छा ना, क्या बताऊँ, हाँ अच्छे से दर्शन हुए हैं, जल्दी दर्शन हुए हैं, मतलब स्पर्श करके एकदम फूल माला चढ़ा के जो लिए थे उसको, हाँ और क्या बताएं। और वहाँ पे बैठे भी हम लोग, हाँ 5 मिनट तक बैठे भी थे। सोचो कि इतना क्राउड होने के बावजूद, अभी भी संडे जैसे भीड़ है। इस तरफ देखो लाइन लगी है, और लाइन हर हर महादेव, इस तरफ देखो पूरी लाइन लगी है और ये लाइन मूव नहीं हो रही है। तो आधे किलोमीटर तक लाइन लगी है, हाँ आधा किलोमीटर से ज्यादा। यही कहेंगे जय श्री शंभू, हर हर महादेव महादेव। दर्शन करने के बाद एक अलग ही एनर्जी आई, हम लोग तो दौड़ते दौड़ते ही पार्किंग तक पहुंच गए एकदम, मतलब ऐसा उत्साह फील हो रहा था। ये जो भीमाशंकर टेंपल है बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में है, अभ्यारण्य है ना भीमाशंकर अभ्यारण्य, पहाड़ों के ऐसे बीच में है वो। हाँ। पहाड़ पहले चढ़ते हैं फिर हाँ। वो थोड़ा नीचे उतरते हैं मंदिर के लिए, मतलब ऐसा टाइप का पहाड़ है तो बीच में। और अगर आप लोग बाइक में आओगे ना तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, कितना मस्त राइड। बाइक में ना पूरा रोड का और पूरा चारों तरफ का एनवायरनमेंट को, वाइब को अच्छे से फील कर सकते हो। हाँ अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मुंबई के लिए, नवी मुंबई में हम लोग रुकने वाले हैं एक दोस्त के यहाँ पे। यहाँ से 3 घंटे 40 मिनट की ड्राइव है और इस वक्त बज रहे हैं 7:37, लगभग 11:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। चलो कैप्टन रेडी, यस सीट बेल्ट, कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, टेक ऑफ किया जाए। Finally, reached Mumbai, सपनों की नगरी मुंबई। और इस वक्त बज रहे हैं रात के 11:30, to be exact, नवी मुंबई।